हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि अंडर आर्म से स्वेटिंग होती है, एंड स्वेटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत बैड ऑडर आता है। एंड आप लोग कुछ भी काम करते हैं, थोड़ा लाइक ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करती है, फिर भी आपकी स्वेटिंग हो जाती है। एंड फिर उसका जो स्वेट आता है उसका बहुत स्मेल गंदा आता है, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है कि किसी को मेरे अगल बगल अजीब सा ना लगे, मेरे से गंदी सी स्मेल ना आए एंड ऑल दैट। सो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने खुद यूज करा है एंड काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये प्रोडक्ट शेयर करा जाए। सो ये कोई और मामूली सा रोल ऑन नहीं है, दिस इज विश केयर अंडर आर्म रोल ऑन सीरम, जिसमें है 5% AHA, 3% कोजिक एसिड एंड लिकोरिस, जो आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। साथ ही साथ इसका ये भी दावा है कि ये आपके अंडर आर्म को फ्रेश रखता है एंड ऑडर फ्री रखता है फॉर 24 आवर्स। बिल्कुल सही बात है ये, मैं 24 आवर्स का तो नहीं बोल सकती, बट एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए तो ये रखता ही है, क्योंकि मैं कॉलेज जाने से पहले सुबह इसे लगाती हूँ एंड शाम को आने तक मेरे अंडर आर्म्स बिल्कुल फ्रेश एंड ऑडर फ्री रहते हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड ये बहुत ही लाइट वेट है, फास्ट अब्जॉर्बिंग है एंड सूदिंग फॉर्मूला है, एंड इसको लगाने से कोई भी इरिटेशन नहीं होती है स्किन में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्रुएल्टी फ्री है एंड वेगन है, एंड ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसका लाइक प्राइस जो है वैसे MRP 399 है, बट ये आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जाता है, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, रात हो दिन हो कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसे काफ़ी 1 to 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, एंड मुझे लाइक मैंने इसके बहुत सारे इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स मंगाए थे एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। एंड ये इतना हाइप इसको मिल ही नहीं रखा है, पता नहीं क्यों, बट ये रियली लाइक मिराकली वर्क करता है ऑन योर अंडर आर्म्स। एंड मुझे भी थोड़ा स्वेट आता है एंड बैड ऑडर भी आता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ एंड इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप भी ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें।